से के एक चीज एक बात ये पूछनी थी। यहाँ पर लोग का ये कहना है कि जो जो इंसान जैसे आलिम बनता है या कोई हाफिज़े कुरान रहता है तो मरने के बाद वो 7 लोग को जन्नत में लेके जाता है शेख, तो ऐसा कुछ है क्या शेख? घर वाले को, माँ बाप या भाई वगैरह को? जी शेख, क्या कहा भाई ने आखिर में सुनने से सवाल पहले? ये है शेख भाई का कि यहाँ पर इनके यहाँ कहा जाता है कि जो शख्स हाफिज बनता है तो वो जो है अपने 7 खानदानों को जन्नत में लेकर के जाता है, तो ऐसी कोई बात सही है क्या शेख? नहीं, देखिए, उसके हाफिज बनने में जिन लोगों ने भी उसका ताऊन किया है उन्हें अजर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने खानदान वालों को जन्नत में लेकर के जाएगा। कोई भी इंसान जो नेक जी अमल करेगा और अल्लाह उसके नेक अमल से राजी होगा तो इस तरह वो जन्नत में जाएगा। किसी और के हाफिज बनने से कोई और जन्नत में नहीं चला जाएगा। अलबत्ता उसके हाफिज बनने में जिन लोगों ने भी ताउन किया है, मुशारका किया है, वो उसके अजर में शरीक होंगे। बाकी जन्नत में जाने का फैसला ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा, उसकी इजाजत पर है, और उसकी रजा उस वक्त होगी जब इंसान के पास नेक आमाल होंगे।